दोस्तों, क्या आपको पता है Xiaomi कंपनी ने नया लैपटॉप लॉन्च किया गया है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे जी हाँ, हमें पता है Xiaomi कंपनी ने नया लैपटॉप लॉन्च किया गया है दोस्तों, बट ये पहले वाला लैपटॉप नहीं है। जो पहला होरिजन एडिशन Xiaomi कंपनी ने लॉन्च किया गया था और उसकी प्राइस 40,000 से ऊपर रखी गई थी। ये कुछ अलग लैपटॉप Xiaomi कंपनी ने डिज़ाइन किया गया है जो स्टूडेंट है या वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं उनके लिए एक खास एक बजट सेगमेंट का लैपटॉप Xiaomi कंपनी ने डिज़ाइन करके उनके लिए लॉन्च किया गया है। इसकी प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कॉन्फ़िगरेशन भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है और प्राइस भी इसके अंदर अच्छी दी गई है। सब कुछ सबसे खास बात मुझे इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिली है वो है उसका कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी जो बात है उसकी प्राइस, दोनों मुझे अच्छे लगे हैं। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है और इसकी जो प्राइस रखी गई है या उसकी प्राइस दी गई है एक बजट सेगमेंट की प्राइस इस लैपटॉप के अंदर दी गई है और ऐसा कॉन्फ़िगरेशन की जो प्राइस है कोई भी कॉम्पिटिटर्स जैसे डेल, Lenovo, HP ये दे नहीं सकते। तो उसके प्राइस के हिसाब से उन्होंने इस लैपटॉप के अंदर बहुत अच्छे खास कॉन्फ़िगरेशन इस लैपटॉप के अंदर दे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों, क्योंकि आपको मुझे बताना है प्राइस और कॉन्फ़िगरेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं न्यू टेक आविष्कार यूट्यूब चैनल। जो लोग नए हैं उनके लिए नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब नाम उनको देखने को मिलता है, उन्होंने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है ताकि आने वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियो का नोटिफिकेशन उनके स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में उनके पास पहुंचे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का मेरा जो टॉपिक है Xiaomi कंपनी का नया लैपटॉप। दोस्तों इस लैपटॉप का मॉडल जो है वो है MI नोटबुक 14 ई लर्निंग एडिशन। ये लैपटॉप खास स्टूडेंट के लिए और जो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन और प्राइस के साथ ये लैपटॉप को Xiaomi कंपनी ने लॉन्च किया गया है। MI का नोटबुक 14 ई लर्निंग एडिशन लैपटॉप है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी प्राइस। इसकी जो प्राइस रखी गई है दोस्तों वो है 34,999 रुपीज़, यानी 35,000 में आपको ये लैपटॉप या नोटबुक आपको मिलने वाला है, ई लर्निंग एडिशन वाला लैपटॉप आपको मिलने वाला है। बात हो गई प्राइस की, चलिए देखते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इस लैपटॉप का पहला फीचर्स इसका वेट। इसका जो वेट है 1.5 kg, यानी एक लाइट वेटेड लैपटॉप आपको मिलने वाला है 35,000 में। दूसरी जो बात है इसका थिकनेस, इसका जो थिकनेस है वो है 17.9 mm का थिकनेस है इस लैपटॉप का। और ये जो लैपटॉप है पूरा कम्प्लीटली ऑल मेटालिक बॉडी को इसे बनाया गया है, तो ये भी खास फीचर्स आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलने वाला है। इट इज़ अ मेटालिक बॉडी, नॉट अ प्लास्टिक बॉडी, इट इज़ अ मेटालिक बॉडी। ये हो गई बॉडी की बात। अभी दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर आपको 14 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलने वाला है। इसका एस्पेक्ट रेशो 16:9 आपको एस्पेक्ट रेशो मिलने वाला है। इसके जो बेजल्स है सेट के वो है 5.75 mm का थीन बेजल्स आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलने वाला है। 178 डिग्रीज का वाइड व्यूइंग एंगल आपको इस लैपटॉप के डिस्प्ले के थ्रू मिलने वाला है। दोस्तों MI नोटबुक 14 ई लर्निंग एडिशन इस लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है वो है इंटेल का कोर i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है और उसे क्लॉक कर दिया है 4.1 GHz के ऊपर। इसकी फ्रीक्वेंसी 4.1 GHz के ऊपर की गई है और ये लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलने वाला है। तो प्रोसेसर के बारे में भी आपको पता चल गया है। अभी इसके हम GPU या ग्राफिक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर इंटेल का UHD 620 ग्राफिक्स दिया गया है। ये आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा आपको बढ़ाने वाला है। आप इसके अंदर जो गेम खेलने वाले हैं, जो बच्चे गेम खेलने वाले हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ग्राफिक्स इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलने वाला है। दोस्तों इसके अंदर 256 GB का SSD दिया गया है और इसका जो स्पीड है वो है 600 MB/s, यानी एक सेकंड में 600 MB का डेटा ये ट्रांसफ़र करता है या रीड करता है। फोटोज़ हो या वीडियोज़ हो, 600 MB ये पर सेकंड डेटा ट्रांसफ़र करता है या रीड करता है, राइट करता है, इसका स्पीड उतना है। ये फ़ायदा सिर्फ SSD में आपको देखने को मिलने वाला है। ये हार्ड ड्राइव नहीं है, ये एक सॉलिड स्टेट ड्राइव इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलने वाला है।
बात हो गई स्टोरेज की, वो भी फास्ट स्टोरेज आपको इसके अंदर मिलने वाला है। प्रोसेसर की भी बात हो गई है, इसके अंदर कोर i3 का लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है। अभी इसके सपोर्टिंग करने के लिए आपको एक अच्छी बेहतरीन रैम इसके अंदर लगने वाली है। तो Mi या Xiaomi कंपनी ने इसे भी कंप्लीट कर दिया है। आपको इसके अंदर 8GB का DDR4 रैम इसके अंदर मिलने वाला है। कितना रैम दिया गया है? 8GB का DDR4 रैम इसके अंदर दिया गया है। तो एक अच्छी रैम इसके अंदर दी गई है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रैम इसके अंदर Mi कंपनी ने इसके अंदर दिया गया है। 8GB का रैम, वो भी DDR4 रैम है, और उसे क्लॉक कर दिया है 2666 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर, यानी एक अच्छी फ्रिक्वेंसी के ऊपर उनको ये क्लॉक कर दिया है। तो ये अच्छा फीचर्स आपको ये Mi या Xiaomi कंपनी का जो लैपटॉप है Mi नोटबुक 14 लर्निंग एडिशन इसके अंदर मिलने वाला है। जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या फिर जिसकी जूम मीटिंग या माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू मीटिंग चलती है, तो आपको इसके लिए एक वेबकैम चाहिए होता है लैपटॉप में। एक अच्छा क्वालिटी का वेबकैम अगर आपको लैपटॉप में मिल गया तो आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है मीटिंग का, वो भी आपको अच्छा होने वाला है। तो इसके लिए Mi कंपनी ने इसके अंदर 720p का एक वेबकैम इसके अंदर दिया गया है। इसका जो रिजोल्यूशन है वो है 1280x720 का, ये इसका रिजोल्यूशन इसके अंदर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज या फिर जो कोई जॉब करते हैं वर्क फ्रॉम होम, तो उनके लिए ये ज़रूरी है। तो एक अच्छा वेबकैम इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलने वाला है। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे इतना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन इसके लैपटॉप के अंदर अभी दिया गया है, फुल HD का डिस्प्ले दिया गया है, कोर i3 का लेटेस्ट 10 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया है, 256GB का SSD दिया गया है, 8GB का रैम दी गई है, बट अभी बैटरी के बारे में क्या बात कर रहे हैं आप सर? तो अगर आपके घर में लाइट बार बार जाती है या फिर आपको ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत है, तो ये इसका भी फीचर्स Mi कंपनी ने कंप्लीट कर दिया है। आपको अप टू 10 आवर्स का बैकअप इस लैपटॉप की बैटरी के थ्रू मिलने वाला है। कम्प्लीटली 10 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलने वाला है। एक अच्छा बेहतरीन बैकअप आपको इस लैपटॉप के थ्रू मिलने वाला है। 10 आवर्स का बैकअप ये लैपटॉप आपको देने वाला है। ये हो गई बैकअप की बात। अभी आप ये भी सोचते होंगे कि बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। ये भी एक आपका सवाल होगा कि बैटरी का बैकअप दे रही है पर चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो ये भी उनका आपका जो प्रॉब्लम है Xiaomi कंपनी ने ये भी सॉल्व कर दिया है। इसके अंदर आपको 65W का फास्ट चार्जर दिया गया है। 65W का फास्ट चार्जर आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलने वाला है। 0 to 50% यानी 50% का बैटरी चार्ज करने के लिए आपको सिर्फ 35 मिनट्स लगने वाले हैं। 35 मिनट्स के अंदर आपको ये जो बैटरी आपके लैपटॉप की 50% चार्ज कर देने वाली है, यानी आपको 35 मिनट में एक 4 आवर्स का या 5 आवर्स का बैकअप आपको दे सकता है इस 35 मिनट के चार्ज होने के बाद। 35 मिनट में 50% बैटरी चार्ज हो जाती है। टाइपिंग के लिए कीबोर्ड लगता है, तो कीबोर्ड भी अच्छा होना चाहिए। तो Xiaomi कंपनी ने इसे भी कंप्लीट कर दिया है। सीजर कीबोर्ड आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलने वाला है। सीजर स्विच, नॉट अ सीजर कीबोर्ड, इट इज़ अ सीजर स्विच कीबोर्ड आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा कीबोर्ड आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलने वाला है। ये भी फीचर्स मुझे पसंद आया है। दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर जो टच पैड दिया गया है, जैसे स्क्रॉल करना, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, जूम इन, जूम आउट, ये सब ये टच पैड के ऊपर प्रोसेस होता है। एक अच्छा बेहतरीन टच पैड इसके अंदर आपको मिलने वाला है। Mi नोटबुक 14 ई लर्निंग एडिशन इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं विद DTS साउंड आपको इसके अंदर मिलने वाला है। एक बेहतरीन अच्छा क्वालिटी का साउंड आपको इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है। स्टीरियो का स्पीकर है, DTS साउंड दिया गया है, तो आप इसके थ्रू मूवीज, गाने सुन सकते हैं बेहतरीन आवाज़ के साथ। ये आपको मिलने वाला है Mi नोटबुक 14 ई लर्निंग एडिशन। दोस्तों अभी इसके पोर्ट्स के बारे में भी हम जानते हैं। तो इसके अंदर आपको एक HDMI का पोर्ट दिया गया है, HDMI का एक पोर्ट दिया गया है, और दो हाई स्पीड के USB पोर्ट दिए गए हैं। 3.0 के USB का दो पोर्ट इसके अंदर दिए गए हैं, और एक USB 2.0 का पोर्ट इसके अंदर दिया गया है। 3.5mm का हेडफोन जैक इसके अंदर आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम दी गई है वो है विंडोज 10 होम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 होम इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलने वाली है। दोस्तों कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर वाईफाई आपको मिलने वाला है। ब्लूटूथ V5.0 लेटेस्ट जनरेशन का ब्लूटूथ आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलने वाला है। दोस्तों
Xiaomi कंपनी ने ऐसा कहा है कि 10 hours का बैकअप आपको ये 3220 mAh की बैटरी के थ्रू मिलने वाला है। 65 वाट का चार्जर के साथ आपको लैपटॉप मिलने वाला है और 50% चार्ज करने के लिए सिर्फ 35 मिनट्स लगने वाले हैं, ऐसा Xiaomi कंपनी कहती है। दोस्तों अभी मैंने आपको Xiaomi कंपनी का या Yamaha का जो लैपटॉप है Yamaha Notebook 14 e-learning edition इसके बारे में बता दिया है। इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, इसका प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी, रैम, स्टोरेज, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। इसकी प्राइस भी बता दिया है, जो है 35,000 इसकी प्राइस दी गई है। प्राइस इसके अंदर जो दी गई है बहुत अच्छी प्राइस के साथ उन्होंने ये लैपटॉप लॉन्च किया गया है। जो स्टूडेंट है या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा बेहतरीन लैपटॉप Xiaomi कंपनी ने लॉन्च किया गया है। अगर आपको ये लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको अमेज़न के थ्रू ये लैपटॉप खरीद सकते हैं। एक अच्छा बेहतरीन क्वालिटी का लैपटॉप आप इस Xiaomi कंपनी का ले सकते हैं। दोस्तों ये था Xiaomi कंपनी का Yamaha Notebook 14 e-learning edition लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन और प्राइस के बारे में वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लैपटॉप परचेस करना है या बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये लैपटॉप बाय कर सकते हैं। इसके अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन और प्राइस, ये दोनों बातें मुझे अच्छी लगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको आपके दो कोई दोस्त है जिसे लैपटॉप खरीदना है तो वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि एक अच्छा नया लैपटॉप जो Yamaha ने लॉन्च किया है तो उसको भी पता चले इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन उसके प्राइस के बारे में। दोस्तों जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आपके लिए रेड कलर में जो सब्सक्राइब नाम दिखने को मिलता होगा आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, ताकि आने वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन में, टैबलेट में, लैपटॉप में आपके पास पहुँचे। तो इस तरह से कुछ ये वीडियो था Xiaomi कंपनी का ई लर्निंग एडिशन का लैपटॉप के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ। Have a great day. Thank you for watching.